हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। ये वीडियो आप लोगों को 11 बजे के आसपास मिल ही जाएगा, रात के 11 बजे। बिल्कुल पुत्तन का एपिसोड आ गया, दिल मेरा खुश हो गया। अब आप लोग बोलोगे, डिम्पल जी आपका दिल खुश हो गया? जी हाँ, एक डिम्पल व्लॉग्स ही है। जब मुझे सब लोग टाइटल कहते थे, डिम्पल जी अब बस कर दीजिए ये लिखना कि पुत्तन चली ससुराल, और मैं कहती थी कि पुत्तन जब तक ससुराल चली नहीं जाती ये टाइटल मैं लिखती ही रहूँगी। सब कुछ पॉजिटिव होगा अगर ये पॉजिटिव चाहेंगे। अब ये कह रही हैं कि मैं 500% अपना देना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ 500 क्यों, 1000 क्यों नहीं? अब इसके वो स्पोर्टर्स जो है ना, उनके भी मुंह बंद होंगे जिन्होंने बहुत ही कीचड़ उछाला था, बहुत ही गंदा गलत गलत बोला था। देखिए अब जो है, वाइफ कह रही ना कि मैं वाइफ हूं, अच्छा लग रहा है ना। और मैं यहां पर ये भी चीज कही थी 3-4 दिन पहले के एपिसोड में, जहां पर दो सिर जुड़ते हैं ना उनको मतलब गलत बात है कि आप जो है किसी की जोड़ी तोड़ो। अगर आप स्पोर्टर कहते हो खुद को, लेकिन आप क्या कहते हो, उसकी सास ऐसी, उसका ये वैसा, उसको ये वो, गलत बात आप वो चीज़ें दिखा रहे हो। ये बात हो रही है पुत्तन के स्पोर्टर के लिए, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं हुई वो चीज़ें है ना, सोशल मीडिया पर जो है उसी के भी हाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अब पुत्तन को आप लोगों ने देख ही लिया कि पुत्तन ने पहले कंफ्यूज किया व्यूअर्स को, भाई ये चलिए ठीक है व्यूज का चक्कर रहा, लेकिन यहाँ पर नन्नू के साथ क्या हो रहा है अब आपको मैं बताती हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को पता होगा नन्नू का हाई कोलेस्ट्रॉल था, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है किसी से। अच्छा, कभी हुई भी होगी ना तो पॉजिटिव वे में ही हुई होगी, यही कि तुम्हारी वाइफ अच्छी है लेकिन वो दिमाग से थोड़ा कहते ना सोचना नहीं। अच्छा होता क्या है कि दिल और दिमाग की जो लड़ाई है, यहाँ पर ये नहीं मैं कहती कि पुत्तन बहुत अच्छी है, नन्नू बहुत अच्छा है, गलतियाँ देखो दोनों ने की है, दोनों के परिवारों ने। मैंने आज के वीडियो में भी पूछा है कि मुझे ये बताइए कि दोनों के परिवारों ने क्या कभी कोशिश की है कि ये लोग एक हो जाएं? अगर बच्चा नहीं ना होता तो फिर भी कहते हम लोग भाई हाँ चलो ठीक है, नहीं बनी तो अलग हो जाओ। फिर भी मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे वो डिस्कस करना ही क्यों, है ना, अलग अलग होना ही है तो साइलेंट हो जाए, साइलेंटली हो जाए, है ना। अभी जस्ट मैंने डिनर किया है और फिर मैं साथ साथ एपिसोड देख रही थी, बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ। आप लोगों को तो पता ही है भैया चंपा भी आ गई, लेकिन वाकई में ही सुन के हमें भी ये चीज़ अच्छी लगी। लेकिन पुत्तन यहाँ पर जल्दबाजी कर जाती है बिल्कुल वैसे ही, जैसा कि पुत्तन ने फर्स्ट बर्थडे जब सेलिब्रेट हुआ था चिंटू का, जी बिल्कुल चिंटू का फर्स्ट बर्थडे जब सेलिब्रेट हुआ था उसमें क्या हुआ था, नन्नू नहीं आ पाया था, नन्नू जो है सेकंड डे आया, लेकिन वो सब चीज़ें हुई, फिर इनका पैचअप हुआ आपस में, लेकिन पुत्तन ने वो सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया यहाँ पर सोशल मीडिया पर, और ये कहते हुए कि चलो अब तो मैं आपका नाम ले सकती हूँ ना, नाम लेते हुए सब बातें करी थी। लेकिन अब जो है अब फिर इसने डिस्क्लोज तो किया है लेकिन पॉजिटिव वे में। अब मुझे लगता है कि सब चीज़ें जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होनी ही चाहिए। आप लोगों को पता होगा पिछले कुछ दिनों से ही नन्नू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। देखिए तबीयत यहाँ पर भी किसी की सही नहीं चल रही है, फीवर हो रहे हैं, गला खराब है, महीना महीना खांसी नहीं जा रही है, आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा, है ना। लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो थोड़ा चिंता का विषय तो बना रहता है, लेकिन इतना भी चिंता का विषय नहीं है कि आप जो है कि कंट्रोल ना कर सको, कर सकते हो। लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल में स्ट्रेस लेने के लिए तो डॉक्टर भी कहते हैं ना मेडिटेशन करो, स्ट्रेस फ्री रहो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब है और ऊपर से स्ट्रेस भी है आपको, तो सीधा सीधा दिल को ही वो प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा, जब किसी का खुद का बच्चा होता है ना तो उस समय ना सॉरी जब किसी का कहते हैं ना बच्चों के आगे इंसान हार जाता है, दुनिया से वो लड़ जाएगा लेकिन बच्चों के आगे वो हार जाता है। अच्छा कुछ भी हो ना, इंसान को थोड़ा भी बीमार हो, कुछ भी लगे, दिल उदास है, कुछ भी मतलब, आप लोगों ने देखा होगा पिछला जो एपिसोड रहा है नन्नू का, उसमें वो काफ़ी स्ट्रेस लिए हुए थे और ये चीज़ भी उसने बोली थी कि अब पता नहीं मेरा एपिसोड कब आएगा। लेकिन अभी जो भी है आप लोगों के सामने पॉजिटिव है, पता नहीं वो एपिसोड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ अपनी अपडेट देते रहना चाहिए। अच्छा नहीं भी एपिसोड बनाने डजेंट मैटर, आप अपनी फैमिली में खुश हो ठीक है, लेकिन स्ट्रेस फ्री, है ना।
और पुत्तन से भी यही उम्मीद करेंगे कि अभी आप जा रहे हो ससुराल जा रहे हो, जहाँ कैसे रिश्तों को समझे, बिल्कुल वैसे जैसे चंपा ने समझा है ना। हस्बैंड वाइफ की आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, सबसे पहले ये मैटर करती है। अभी मैं बता रही थी बच्चों के आगे इंसान हार जाता है, मे भी नन्नू को उस दिन रात को थोड़ी सी घबराहट हुई होगी, या कुछ भी फील हुआ होगा। तुरंत क्या कॉल किया था उसने इसको, है ना। लेकिन बात वही है कि 12 तारीख 12 तारीख 12 तारीख, बिल्कुल वैसी ही 12 तारीख जैसी कि दिसंबर की एक रात के बारे में बताती है झूठी भी। मैं कहती हूँ सस्पेंस रखना ही क्यों, है ना। अगर आपको जहां पर नहीं बताना है तो फिर ये 12 तारीख वाली भी बात क्यों बतानी थी, मत बताते कि उस रात क्या हुआ था। हस्बैंड वाइफ जब इकट्ठा होंगे तो इजी लगेगा, थोड़ा भी कंफर्ट लगेगा, तो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो कि कैसे क्या हुआ और कैसे आप लोगों का पैचअप हुआ। ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ, इंसान गलतियां करता है लेकिन उस गलतियों को आपने कैसे सुधारा, ये आप अपने व्यूअर्स को एक मैसेज के थ्रू जरूर से बताएं। अब जो है पुत्तन और नन्नू की मैरिड लाइफ को देखकर, अभी तक की जो 3 साल की इनकी जर्नी रही है उनको देखकर आप सब लोगों ने एक तो सीख ली होगी कि हमें जो भी सोशल मीडिया पर कपल है हमें सब कुछ यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना है, अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना है ना। मर्जी भी आपकी कितनी भी नाराजगी हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन आपको जहाँ पर सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना है। यहाँ पर अगर आप अपने रिश्तों को दिखाते हो, सिर्फ पुत्र नन्नू की बात नहीं करती हूँ, यहाँ पर मैं उन लोगों की भी बात करती हूँ जो कि अभी लखन फैमिली के लिए भी वीडियो बन रहे हैं। वो इसीलिए बन रहे हैं ना कि आपने सारा कुछ यहीं पे तो दिखाया, लड़ाइयाँ लड़ी हैं तो यहीं पे लड़ी हैं। अब देखो लड़ाइयों ने तो इतिहास बना दिए, बच्चों के सिलेबस बढ़ गए, है ना। अब बच्चों के सिलेबस बढ़े तो अब देखिए यूट्यूब पर जो रिएक्शन वाले हैं उनका कितना काम बढ़ गया कि एपिसोड देखो उसके बाद सब लोगों को मैसेज भी दो और रिएक्शन भी दो, है ना। अब जब ये लोग एक हो जाएंगे तो पुत्तन को यहां से मैं एक स्ट्रिक्टली एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक सीख देखना चाहती हूँ। मे भी उनकी मॉम जो है वो ये मैसेज उसको ना दे पाए, ना समझा पाए, क्योंकि हमेशा पुत्तन ने करनी तो अपनी ही है। मैं ये कहना चाहती हूँ पुत्तन से कि अभी अपना बेस्ट देना, कोशिश करना एक अच्छी पत्नी बनने की, लेकिन पत्नी से पहले ये जरूर सोच लेना तुम एक माँ हो, ठीक है। कहने भर की बात है, सिंगल मदर कहने भर की बात है, भाई अकेले रह सकते हैं इंडिपेंडेंट, है ना। बहुत मुश्किल है, अपनी मम्मी को ही देखकर आप लोगों को समझ आना चाहिए, है ना। मम्मी के तो फिर चलिए बच्चे थोड़े से बड़े थे, आपका तो बेबी बहुत ही छोटा है अभी, चलिए स्कूलिंग उसकी होएगी, है ना। अभी उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन भी होएगा, बर्थडे, उसका थर्ड बर्थडे जो है मे बी वो ग्रैंड सेलिब्रेशन होएगी, है ना। उस दिन जो पार्टी होगी वो उसके फादर की ओर से होगी, यही हम लोग उम्मीद भी करते हैं। लेकिन पुत्तन को मैं ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहती थी, पुत्तन को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कभी किसी तीसरे को मत आने देना, पुत्तन हो चाहे कोई और हो। मेरे रात को इस समय वीडियो बनाने की वजह यही है, बहुत छोटी सी अपडेट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है जी। अदरवाइज आप लोगों को पता है लोग कहते हैं डॉलर डॉलर डॉलर, सबको पता है 2-3 मिनट का वीडियो अगर कोई वॉच करता है कितने आप डॉलर अर्न कर लोगे, नहीं ना। लेकिन हम लोग भी अपना टाइम देते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, टाइम टू टाइम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहते हैं, और अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रहना, अपनी ऑडियंस कम अपनी वाइटी फैमिली ज़्यादा समझना, तो भाई उनका तो दिल से शुक्रिया है। जैसे वीडियो जाती है वो लोग देखते जरूर हैं और अपनी सजेशन भी भर भर के देते हैं, दिल से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और पुत्तन और नन्नू को भी कहना चाहती हूँ कि व्यूअर्स की वजह से ही आप सब लोग हो, और नन्नू की तो खुद की भी जॉब है, चाहे वो 25,000 अर्न करे, 30 करे, 35 करे, लेकिन पुत्तन जो है तुम्हें ही देखना है कैसे चलाना। नन्नू काफ़ी समझदार है इन मामलों में, अभी तक जो भी मैंने देखा सुना ये सोशल मीडिया पर कि कैसे उसका हिसाब किताब में वो बहुत पक्का है, रिश्तेदारी निभाने में भी पक्का नजर आया। लेकिन पुत्तन जो है वो अपनी गृहस्थी अब कैसे समेटती है, संभाल के चलती है, क्योंकि कितने लोग हो भाई आप लोग, अब खुद ही समझ जाना, है ना। अब चंपा को देख लो कैसे सेवा करेगी, वैसी उम्मीद तुमसे भी रखी जाती है। बड़ों की नाराजगी, बड़ों की कभी कभी कहे गए कुछ ऐसे शब्द बेशक बच्चों के दिल को लगते हैं, लेकिन बच्चों को वहीं पे चुप रहकर इग्नोर करके, मतलब कि वहीं पे शांत रहना शांत रहना शांत रहना, कई बार
बहुत अच्छा बना जाता है। वही पल जो होते हैं ना, बड़ों के कहे हुए कड़वे शब्द भी कई बार जो होते हैं आपको जिंदगी की, आप शांत हो तो वही जिंदगी की बहुत बड़ी सीख भी दे जाते हैं। ऐसी ही उम्मीद अब जो है मैं ये नन्नू फैमिली से भी करती हूँ और ये पुत्तन से भी करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ अभी पुत्तन फैमिली की ओर से, नन्नू की फैमिली की ओर से कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी। और फाइनली मैंने आज के पहले के वीडियो में ये क्लियर कर ही दिया था, जब तक डाइवोर्स फाइल होता ही नहीं है, जब तक डाइवोर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और डिनर करने के बाद तो सच में जैसे पुत्तन कह रही है उसका दिन बन गया। मैं कहती हूँ मेरा भी आज सबको एक तो हैप्पी वसंत पंचमी, और दूसरी बात कि पुत्तन ने आज के दिन ये जो थोड़ी सी खुशखबरी सुनाई है ना, भगवान करे इनकी जोड़ी एक हो जाए, इनका परिवार एक हो जाए और चिंटू को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। यहीं तक का था मेरा अभी का वीडियो, कैसा लगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट कर दो, भर भर के लाइक कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।